लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वाल्मीकि बच्चों की निर्मम हत्या पर श्रद्धांजलि सभा संपन्न। आपको बता दें, वाल्मीकि नव युवक संघ ने गांधी पार्क में निकाला कैंडल मार्च और सरकार से उक्त घटनाओं की रोकथाम करने की मांग। फिरोजाबाद जिला अध्यक्ष वाल्मीकि नवयुग संघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के शिवपुरी ग्राम भाग खेड़ी में वाल्मीकि बच्चों की लाठियों से पीटकर निर्मम हत्या करने के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। पदाधिकारियों ने कहा कि देश में बढ़ रही इस प्रकार की घटनाओं पर जनता में भारी आक्रोश है, साथ ही सरकार से उक्त घटनाओं की रोकथाम करने की मांग की गई ताकि देश में भाईचारे व सौहार्द की भावना जागृत हो। इसी क्रम में कैंडल मार्च गांधी पार्क में जिलाध्यक्ष विनय वाल्मीकि के नेतृत्व में संपन्न हुआ। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। दो वाल्मीकि समाज के, एक 12 साल की बच्ची रोशनी और 10 साल का अविनाश की केवल इसलिए हत्या कर दी कि उन्होंने खेत में सोच कर ली थी। अब हम लोग, पहले तो मंदिरों में जाने से रोका जाया करता था हम लोगों को, फिर बरात चढ़ाने से रोका जाया करता था हम लोगों को। आज ये स्थिति है इस देश में, हम इस देश के मूल निवासी होने के बाद भी आज हम लोग इतना वो नहीं कर सकते कि हम किसी खेत में सोच भी कर सकें। तो आज हम लोग इसी वाल्मीकि नव युवक संघ के तत्वधान में आज हम लोगों ने उन बच्चों की श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। वैसे कैंडल मार्च हमारा था घंटाघर चौराहे से लेके और सुभाष चौराहे तक, लेकिन शासन और प्रशासन ने हम लोगों को अनुमति नहीं दी गई, इसलिए हम लोग यहाँ, क्योंकि शासन प्रशासन सभी वही लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपने मन की बात भी नहीं कर सकते। अब हम लोग अपने भाइयों के लिए श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते। ये आलम है अब इस देश में, हम लोगों का इस तरीके से हो गया जैसे हम इस देश के किराएदार हैं। तो आज हम लोगों ने अविनाश के लिए और बहन रोशनी के लिए, यहाँ श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया है। और हम लोग इस आयोजन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन करते हैं, ये मांग करते हैं कि हत्यारों को, जो उन हत्यारों ने ऐसा काम किया है, इतना निंदनीय काम किया है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और परिवार को, अविनाश के परिवार को और रोशनी के परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और उनके परिवार को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जब वो दो बच्चों को मार सकते तो हो सकता है जब वो पुलिस कार्रवाई करे तो उन पूरे परिवार को भी मार सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करूंगा कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए।